हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। तो कैसे हैं आप? सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे और सब्सक्राइब किया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जी, ये है, हम लोग एक मूवी का सीन लेकर आए हैं और जॉनी लीवर जो कि बेस्ट कॉमेडियन है, मेरे बहुत फेवरेट हैं, हम लोग उनकी वीडियो देखने वाले हैं। इस मूवी, एक मूवी है उनकी जिसका नाम है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। सो उसमें हम लोग अप्पू खोटे वर्सेस विमल बहन का जो सीन है वो, मतलब कि जो जॉनी लीवर हैं और उनकी जो बीवी बनी हुई होती है उनका हम लोग सीन देखने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फनी सीन है, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो फटाफट से देखते हैं आज की वीडियो, प्लीज़ देखें तो देखिएगा, पसंद आए शेयर ज़रूर कीजिएगा, देखते हैं आज की। इनका डायलॉग जैसे एक घर में दो किचन नहीं होते हैं ना, वैसे एक घर में दो ब्रेन नहीं होने चाहिए। अगर तेरी खोपड़ी में ब्रेन है, ये ब्रेन वाली खोपड़ी नीचे कर, ऊपर कर, इधर देख, कितना ही ए बे, इज्जत से बोल। अभी इज्जत से ही बोला है, वो बे वाला बे नहीं बोली मैं, हम लोग गुजराती में दो को बे बोलते हैं। तो हिंदी में बोल दो। और ये एक, एक और दो मिलाकर कितने हुए? तीन। नहीं, चार। अरे अरे, चार कैसे हो सकते हैं? दो और एक को मिलाकर तीन ही होते हैं ना? वो तेरे स्कूल के हिसाब से होता होगा, ये तेरा मर्द का हिसाब है। बोल, एक और दो मिलकर चार होते हैं, बोल कितना? चार। वेरी गुड। और आखिरी सांस तक हिसाब ध्यान रखना, समझी? अरे अरे, ये दरवाजा बंद कर। और सुन, ये नौकरी करने का जो तूफान तेरे मन में उठा है ना, उसको मन के अंदर समाधि बना ले, तो इस घर में समाधि बना दूंगा तेरी। आरा आरा, ये बंद कर, गिव इट अप। नहीं तो ये गलती पे गलती करती रहे और मैं पत्थर की तरह खामोश रहूं, तूने मुझे समझ क्या रखा है? इंडिविल की बहुत पिटाई होनी है। अगर तूने कोई गलती की हां, तो तेरे को और तेरे मास्टर को ना रामपुरी जगह घुसे खलास कर दूंगा। रबा रबा, देखो बोल देती हूं, बोल देती हूं, मुझे कुछ भी करने का करो, रामपुरी चाकू से, रावणपुरी चाकू से, जो भी चाकू से मार देगा मार देने का, लेकिन मास्टर के बारे में कुछ नहीं बोलने का, उसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो हमारे लिए हमारे घर के साईं बाबा है। साईं बाबा? हाँ, हमारे घर का। मास्टर ने तेरे को 2000 रुपए उधार दिया ना? अरे मेरे पीने का साईं बाबा, इतने से पैसों में हमारे घर का साईं बाबा बनता है? तो मैं 10 साल से तेरे को पाल रहा हूँ, 4 बच्चों की माँ का टाइटल दिया हूँ, 50 साल से लफंगा हूँ, लोफर हूँ, जोकर हूँ, तेरे बाप का नौकर हूँ मैं। यूं आ रहा तेरा मुंह क्या कर रही है? सारी लाल डबल एक्शन कर रही क्या? एक थप्पड़ मारूंगा, मुंह तबेला बना दूंगा, पैर काट के रोड पे फेंक डालूंगा और मुंडी काट के दरवाजे पे लटका दूंगा, समझे? सुन, आइंदा अगर तेरे मन में मास्टर का ख्याल भी आ गया ना, कि तेरे बाप काट के सिग्नल पे बिठा दूंगा, ये भी मांगना, बाहर आ जा, तेरे लिए पकड़।
कैसी है साड़ी? अरे एकदम मस्त साड़ी है। इतनी महंगी साड़ी तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं पहनाई मुझे। ए, तेरे माँ बाप का नाम मत लेना, ये तो एक पंच दूंगा ना दांत उखड़ के किचन में गिरेंगे। क्यों? याद है तेरे को नई नई शादी हुई थी हमारी सुहागरात के दिन, लुंगी लाई थी भीख मांग के पड़ोस से, किसी से फटी हुई। अरे मरे चाहे जितनी भी गालियां दे तोड़ता है वो। तो देखो अभी मैं एक बात बताऊं, तुम गाली देते हो ना जब नौसे में होते हो तो भी गाली देते हो, बाकी तो स्वभाव एकदम मक्खन जैसा है। जिंदा रहो ना एकदम। चल सिगरेट जला चल। ठीक है। मैं क्या बोलती हूँ, ये जो सब सामान है पैसे कहाँ से आए? पैसे कहाँ से आते हैं, मर्द कहाँ से लाता है, ये पूछने का अधिकार औरत को नहीं है। तुम्हारा काम ये है कि हम जो कमा के लाते हैं उसमें झपटो, जैसा कुत्ता बिस्कुट को देख के झपटता है, समझे? क्या ये क्या है? कुत्ता। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं समझ गई। कुत्ता ये पागलपन करेगी ना तो तेरा मुंह फोड़ दूंगा मैं, समझे? चल जला। मुंह में नहीं रखूंगा तो कान में रखूंगा। चल जला। पटाखा है। ज्यादा नखरा करेगी ना मुंह में बम लगा के उड़ा दूंगा तेरे को। वही तो कह रही हूँ मैं, उड़ जाओगे उड़ जाओगे। चल जला। मैं कहती हूँ निकलो निकलो इसको मुंह में से बाहर निकलो। मैं कहता हूँ जला। उड़ जाओगे। जला। उड़ना है आपने। नहीं पति 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 जला। अगर हमारा काम जैसे सोचा ऐसा हो गया ना तो हम इस भूत बंगले को छोड़कर लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में लोखंड का मकान बनाएंगे। अरे अरे लोखंड का मकान? ये इलेक्ट्रिक वायरिंग में लीकेज होगा तो करंट लगेगा। जब से बोल और दुआ कर, अगर काम हो गया ना तो मैं राजा और मैं रानी। रानी नहीं महारानी। अरे अरे क्या कर रही हो? चार जन्मों तक नहीं, सात जन्मों तक मैं ही आपकी पत्नी रहेगी। अरे सात जन्मों तक तेरे सीरियल के लॉटरी पर हर बार मेरा ही नंबर लगेगा। मैं ट्राई करता हूँ, भगवान से बात करता हूँ, हैं? चलेंगे हाँ? अबे उठ। आरा आरा आरा। तो जा रहा रहा रहा। तो खून कर डालूंगा और इसका ब्लड ग्रुप का पता लगाऊंगा कि किस जानवर का खून है इसके अंदर। आज तूने सोए हुए शेर को अपने पैरों से झिझोड़ के उठाया है, आज तेरे को दुनिया से नहीं उठाना तो मेरा नाम भी खून है। रुक क्या कर रहा है? अबे रुक, तू रवि छोड़ यार मेरे को तू। अरे कोई बचाओ। बड़ी आए मर्द और मर्दांगी की बातें करने, अपनी पत्नी के सामने एक सच बोलने की औकात नहीं है तुम्हें। ए अप्पू मेरे को मारती है, इसको समझाना यार। थू अंजलि, this is too much, three much, मगर much, stop this much 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 ऐसे। अरे मर्दों को कई परेशानियां होती है, इसका मतलब ये है कि वो हर चीज आके औरतों को बताएगा। रुको रुको रुको। अरे ये सारी की सारी आग वो सामने रहने वाली झुमरी की लगाई हुई है। हाँ। उसकी वजह से हमारा घर मैदानी जंग बन गया है। एक दिन मौका देकर इसके घर की गैस लीक करो और माचिस जला के फेंक दो। हम किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। आप मर्द लोगों से घर गृहस्थी नहीं चली तो हमने मजबूर होकर इस घर की दहलीज को पार किया है। आरा आरा आरा। कोई है ना इनको अक्कल वाली घास खिलाओ। अगर हम लोग टाइम पे नौकरी पर नहीं जाते नहीं तो तुम्हारे बच्चे लोग ऐसे रास्ते पे भीख मांगते होते। मेरे जूते में डाल खाने वाली जबान चलाती है। मुंडी काट कर रख दूंगा, पेट काट कर टुकड़े कर डालूंगा। बच गई। काट के फेंकोगे? काटो काटो, मैं भी देखती हूँ, काटो। सिस्टर एक मिनट, ए ये नौकरी छोड़ दिए कि नहीं? तुम सारा कर्जा चुका दो, हम नौकरी छोड़ देंगे। ए यूं यूं दो महीने में सारा कर्जा चुका देंगे जी। चुटकियां बजाने से कर्जा नहीं चुकेगा, करके दिखाओ दो महीने में। ओहो पति को चैलेंज कर रही हो? हाँ यस। अच्छा देख लेना, पति की बात न मान कर जो तुम नौकरी कर रही हो ना, एक दिन तुम खुद पछताओगी और तुम्हें खुद एहसास होगा कि हम सही थे और तुम गलत।
और अगर तुम्हें ये पछतावा नहीं हुआ तो हम भी मर्द की औलाद नहीं। एक दिन तुम भी नहीं पछताए और तुम्हें भी ये एहसास नहीं हुआ कि तुम गलत थे और हम सही, तो हम भी भारतीय नारी नहीं। हम भी साबित कर देंगे कि हम भी बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं। देख लेंगे। सही बात है। देख लेना। देख लेंगे क्या? हम तुम्हें दिखा देंगे। आरा आरा। हम भी तुमको दिखा देंगे। जाओ। चैलेंज। 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 यस। चैलेंज। चलो। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का सीन और बहुत अमेजिंग ये मूवी है, इतनी फनी है, इसमें और भी बहुत ज़्यादा फनी सीन्स हैं। अगर ये सीन और ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसके जो बाकी सीन था वो भी मैं बनाऊंगी ज़रूर। बट इसमें मतलब फनी वे में दिखाया गया, बट अभी तो ऐसा नहीं होता है। अभी की जो औरतें हैं और जो मर्द हैं ना, औरतें अगर मर्द औरत के साथ अच्छे से ना रहे तो वो खुद ही नहीं रहती, वो छोड़ देती है। बट अगर थोड़ा सा पीछे जैसे कि हमारी अम्मी का ज़माना होता था, उस टाइम पे हम लोग जाके देखें तो उस टाइम पे होता था कि जो भी है जैसा भी है इसी के साथ रहना है तुम्हें तो इसी के साथ रहो, ऐसा फोर्सफुली भी रहते थे। और फिर बच्चे हो जाते थे तो फिर औरतें अपने बच्चों के लिए भी उसी हस्बैंड के साथ रहती थी, ऐसा होता है। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं होता, अभी तो औरतें खुद मारती हैं मर्दों को। और अगर ऐसी वैसी अनबन हो जाए और बहुत ज़्यादा ये चीज़ होना स्टार्ट हो जाए तो वो लोग अलग हो जाते हैं। ऐसे बहुत कुछ हम लोगों को देखने को मिलता है आजकल। बट ये मूवी फनी वे में बनाई गई, बट होता है ना हर एक मूवी में एक मैसेज होता है, तो इस मूवी के जो मर्द होते हैं उनसे काम नहीं हो रहा होता, उनकी जॉब मुझे लगता है कि उठा लिया जाता है उनको, तो फिर वो और इन्होंने किधर से लोन लिया हुआ होता है। तो औरतें जब इनकी बीवियाँ बाहर निकलती हैं जॉब करने के लिए तो इनको बहुत गुस्सा तो होता है ना कि मर्द की ईगो आ जाती है कि मेरी बीवी क्यों निकली बाहर काम करने के लिए, ऐसा वैसा होता है। तो फिर वो औरतें बोलती हैं कि आप लोगों से नहीं हो रहा था इस वजह से हम लोग निकले हैं। तो लेकिन फिर एंड पे उनको उस बात की समझ आ जाती है। बट अभी तो औरतें और मर्द साथ मिलके ही कमाते हैं तो ही गुजारा होता है, अभी तो गुजारा भी नहीं होता अगर औरतें ना कमाई आ, तो होता है कि मर्द बहुत अच्छा कमा रहा हो, अच्छे से मतलब ज़िंदगी जी रहे हों, तो होता है कि औरत अपनी मर्ज़ी से जॉब पे ना जाए तो वो अलग बात है। जैसे कि मैं हूँ, मुझे जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं अगर बाहर निकल के जाना पड़े मुझे जॉब करने के लिए तो मुझे मौत आ जाएगी सच में। वैसे बोल रही हूँ और इसकी वजह से मैंने ऑप्शन रखा ये कि मैं वीडियोस बनाऊँगी, इससे अच्छा है तो आप लोगों को भी हंसाऊँ खुद भी हंसूँ। ये मूवी और ये जो होता है ना कि लेकिन इनकी जो एक्टिंग इन्होंने की हुई है ना इसमें, जॉनी लीवर जो है उनकी जो बीवी हैं बनी हुई हैं, बीवी इतनी मासूम उनकी बनाई गई है ना उसमें कि वो जो उसका हस्बैंड बोलता है मानती रहती है। वो बोल रहे वो कुत्ता बनने को बोले तो वो कुत्ता भी बनने को रेडी हो गई, मतलब इतना कुछ। ऐसी ऐसी औरतें भी होती थी, अभी नहीं होती हैं, बट ये मूवी में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और आपको एंटरटेनमेंट भी मिलता है। तो मुझे बहुत मज़ा आया ये सीन देख के, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी सीन देख के अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो जाएगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए अगर नहीं किया हो। तो आपको मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, ऐसे किसी और नए सीन में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, फिर देखते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।